जैसा कि हमने आपको दिखाया था, भद्रकाली में दिखाया था कि किस तरह जमीन के अंदर से सवाला मूर्तियों के कुछ अंश वहाँ भी रखे हुए हैं, पिंडिया रखी हुई है। और अब हम लाखा मंडल आ चुके हैं, यहाँ यहाँ मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं जैसे अंदर भी चारों तरफ जो है वही सवाला मूर्तियों के कुछ अंश यहाँ है, बाहर भी आप यहाँ देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। ये सब बेहद प्राचीन, कहते हैं कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अब ये कलयुग, ये उतना प्राचीन मंदिर है, ये सैकड़ों सालों का नहीं, हजारों सालों का नहीं। और पांडवों के समय जो कि 5000 साल पूर्व बताया जा रहा है, इतिहास रहा है, भगवान शिव की खोज को उन्होंने शुरू की थी और कहते हैं कि यही केदारनाथ में जाकर के उन्हें भगवान शिव की पहचान हुई थी भैंस के रूप में, और जिनके पूछ पकड़ने के बाद केदारनाथ का वो स्थान बन गया और उसका अगला भाग जो पहाड़ से बाहर निकला वो पशुपतिनाथ है। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि यह बेहद प्राचीन मंदिर है। अगर आप देहरादून आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं भ्रमण के और या पर्यटन के दृष्टिकोण से या पूजा के दृष्टिकोण से, तो आप इस जगह पे भी जरूर आइए। हम इस अपनी खबर में आपको यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कटापत्थर में भद्रकाली मंदिर है, आप रुकिए, वहाँ भी गुफा है, हमने आपको पांडव की गुफा दिखाया और अब हम मंदिर में आए हैं। ब्राह्मण देवता यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी सी इनसे जानकारी लेते हैं। कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा आगे आइए और हम बाबा से बताते हैं। बाबा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पांडवों के समय का ही मंदिर है, प्राचीन, और ये जितनी भी मूर्तियाँ निकाली गई है सब ये जमीन से निकली हुई मूर्तियाँ अभी भी निकल रही है, तो यही आसपास से निकलती है ये सारी, तो यहाँ लाके स्थापित कर दे रहे हैं ताकि उनको मान सम्मान यहाँ से पूजा पाठ हो सके। तो जैसा कि ब्राह्मण देवता ने भी बताया कि यहाँ प्राचीन और पांडवों के काल की ये मूर्तियाँ हैं, 1.25 लाख मूर्तियाँ बताए जा रहे हैं। यहाँ तो कुछ 100,000 मूर्तियाँ ही हैं और 1.25 लाख मूर्तियाँ हैं, और इन्हें सही ढंग से प्रतिष्ठापित न होने की वजह से शिव जी से उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया था, और यही वजह था कि शिव की खोज में वो पीछे उनके पीछे भागते रहे और अंततः पहाड़ के केदारनाथ के उस चोटी पे जाके उनको एहसास हुआ कि ये जो भैंस रूपी है यही शिव जी है, तो उन्होंने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था और पूछ पकड़ पाए थे, तो वो केदारनाथ बना। उसका अगला भाग पशुपतिनाथ नेपाल में जाके निकलता है, काठमांडू में, हम अपने खबरों में आपको वो भी दिखा चुके हैं। तो ये है प्राचीन इतिहास है, बेहद प्राचीन, मन की शांति और पर्यटन के साथ साथ आप मन की शांति, भगवान की भक्ति में भी आइए और अपनी मुरादें यहाँ पूरी कीजिए। ईश्वर को सच्चे दिलों से कहीं से भी आप याद करते हैं और खास करके प्राकृतिक स्थल पे, तो वहाँ भगवान है। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान कहीं भी भारत भर में आपको पहाड़ों पे, शेरावाली पहाड़ों पे, ज्वालामयी पहाड़ों पे, विभिन्न देवी देवता भी पहाड़ों पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगह गंगोत्री सभी पहाड़ों पे, यानी शुद्धता और पवित्रता बेहद आवश्यक है। घरों में भी आप मंदिर स्थापित करते हैं तो कोशिश करते हैं घर का वो कोना पवित्र रहे, तो ये पवित्रता बेहद आवश्यक है और इसी की खोज में आज हमारा चैनल आ चुका है लाखा मंडल, देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि पर लाखा मंडल, जहाँ भगवान की यह मंदिर है हमने दिखाया। तो ये है इस प्राचीन इतिहास की गरिमामय, भक्तिमय भावना से ओतप्रोत वह स्थान जहाँ आकर आप मन को सुकून पाए। स्थानीय पुरोहित जी जुड़े हुए हैं जो इस पत्थर पे उकेरे गए कुछ दृश्य हैं जो इसके बारे में बेहद जानकारी दे रहे हैं। ये माता पार्वती की चरण पादुका है और बाल अवस्था की है, 5 वर्ष की अवस्था। आप देख सकते हैं कि ये जो चरण बने हुए हैं और ये चरण बने हुए हैं, ये माता पार्वती के बाल्य अवस्था के चरण है, यानी चरण पादुका है, चरण छाप है, आप इसे समझिए, आधुनिक भाषा में पैरों के निशान है, चरण छापे चरण पादुका है, और ये वो पत्थर है जहाँ माता पार्वती के चरण पड़े, तो वो स्थान पे छाप है। ऐसे ही छाप आपको विभिन्न जगह पे है, मनाली आप जाएंगे तो वहाँ हिडिम्बा मंदिर में इसी तरह के पदचिन्ह हैं, और यही नहीं, लंका में आप जाएंगे तो हनुमान जी के पदचिन्ह हैं, प्रभु श्री राम के पदचिन्ह हैं। तो ये पदचिन्ह पत्थरों पर हम और आप उकेर नहीं सकते, ये एक दिव्य अनुभूति है, आप यहाँ आकर स्वयं महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको इस प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे थे कि पांडवों के जमाने से जुड़े हुए हैं, हमने आपको बताया कि कटापत्थर में उत्तराखंड की देवभूमि कटापत्थर में भद्रकाली माँ की मंदिर है, प्राचीन गुफा भी है, मंदिर भी है, और वहाँ 1.25 लाख मूर्तियों में से कुछ पिंडियाँ वहाँ भी निकली हुई है। हम लाखा मंडल आए और उसी प्राचीन गुफा को, पांडव गुफा को देखने, और वो भी हमने आपको दिखा दिया है। अब हम दिखा रहे हैं मंदिर। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता, आप अगर काठमांडू जाएंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर भी कुछ इसी तरह के स्वरूप में है, लगभग 90% इसी स्वरूप में है। हम चूंकि हर जगह जाते हैं
विश्व के विभिन्न स्थानों से हम दर्शन कराते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर पशुपतिनाथ जाते हैं तो वहाँ भी आपको इसी तरह के मंदिर मिलेंगे, शिवलिंग है वहाँ भी इसी तरह से बहुत सारे। और आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखा मंडल में हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसकी प्राचीनता के बारे में हम जरा बताना चाहेंगे। आप यहाँ से जरा इसे समझिए कि ऊपर लकड़ की नकाशी है। उस समय जो है ईंट पत्थर गाड़ा का पाइप नहीं होता था, सांधे चोना का भी उतना उपयोग नहीं होता था, लेकिन चांदी सोने से की जगह के पत्थर और उनकी बारीकियाँ ये समझ में आती है कि कितना ये प्राचीन रहा होगा। और अभी भी ये प्राचीन स्वरूप में है, उसे समेट के रखा गया है। हमारे साथ एक स्थानीय जुड़े हुए हैं चौधरी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी कुछ बता रहे थे कि यहाँ हर जगह शिव जी के आगे एक नंदी होता है, जो भक्तों की बात शिव जी को बताते हैं। यहाँ दो नंदी है, इसके बारे में बताइए। ये दो नंदी हम दिखा रहे हैं आपने कैमरा में, एक ये और एक ये, दो नंदी है। नंदी जी और भृंगी जी इनको बोलते हैं। नंदी जी और भृंगी जी छोटे नंदी जी है, मूर्तियों के साथ भी जो है अलग अलग नंदी है। तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, और शिवलिंग के आगे जो है जहाँ पे शिव जी का मंदिर होता है वहाँ पे मंदिर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है जोड़े में ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये खास विशेषता है यहाँ की विशेषता है। और जैसे शिवरात्रि का जो यहाँ दो दिन की शिवरात्रि होती है, एक तो पूरे देश में होती है और यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा होती है। यानी यहाँ शिवरात्रि एक दिन की नहीं दो दिन की होती है, पूरे देश में एक दिन की होती है, यहाँ दो दिन की होती है। दो दिन की शिवरात्रि होती है, और तो जो दूसरा दिन जो होता है वो दिन कुछ महिलाएँ आती है यहाँ अपनी जो करती है उसको देखती रहती है, और उनको जो है वरदान मिलता है किसी के पुत्र नहीं हो रहा। अब आपको हम बता दें पुरोहित जी के शब्दों को थोड़ा विस्तार से हम समझा दें आपको कि यहाँ दो दिन की शिवरात्रि होती है। पहली शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है जो आप सब जानते हैं, लेकिन दूसरा शिवरात्रि भी यहाँ मनाया जाता है। और दूसरे दिन जो शिवरात्रि मनाया जाता है उस दिन क्योंकि पार्वती को मनवांछित वर मिला था, शिव जी से उनका विवाह हुआ था, तो वो महाशिवरात्रि कहलाया। लेकिन उसके अगले दिन एक परंपरा सी बन गई कि पार्वती को अगर शिव मिल सकता है तो आम लोगों को वो क्यों नहीं मिल सकता। तो दूसरे दिन और भी महिलाएं यहाँ आती हैं इसी शिव मंदिर में और शिव जी की आराधना करते हैं, भक्ति से ओतप्रोत उनकी पूजा करते हैं। अखंड ज्योत जलती है यहाँ शुद्ध घी की, उस ज्योत पे अपनी नजरें टिकाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी मनवांछित मुराद पूरी हो, जिस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती की मुरादें पूरी की उनकी भी मुरादें पूरी को। इसलिए यहाँ मनवांछित वर लेने के लिए, पति लेने के लिए, बच्चे के लिए, निसंतान लोग दंपत्ति के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए यहाँ आते हैं। तो इसलिए यहाँ खास हो जाता है, खास विशेष हो जाता है महाशिवरात्रि के पर्व पर दूसरा दिन। और यही वजह है कि पूरे देश में तो महाशिवरात्रि केवल एक दिन मनाया जाता है, यहाँ दो दिन मनाए जाते हैं, क्योंकि परंपरा है कि शिव ने पार्वती की मनोरादे पूरी की है, वही शिव वही भोले, भोलेनाथ तो भोले हैं। अगर यहाँ दूसरे दिन आकर उसी आराधना की जाए, उनकी बेहद सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए, तो प्रभु उनकी भी सुनेंगे और उनकी भी मुरादें पूरी करेंगे। हम दिखाएंगे उस जगह का, भी हमारे साथ रोहित जी बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे आज भी मूर्तियाँ निकलती है, प्राचीन मूर्तियाँ निकलती है। और ये सब हम आप देख रहे हैं हमारे खास चैनल पे धर्म यात्रा। आप देख सकते हैं कि ये अभी जगह जगह शिवलिंग के विभिन्न स्वरूप हैं। काठमांडू में भी आपको यही शिवलिंग के दर्शन होंगे। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, जहां सैकड़ों शिवलिंग वहां स्थापित है पशुपतिनाथ मंदिर में। आपको बता दें कि वहां भी इसी तरह के शिवलिंग है, तो शायद संभव है कि 1.25 लाख जो पिंडियाँ बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई, शिवलिंग बनाए गए, तो कुछ वहाँ भी हो, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह मंदिर है और वहाँ भी इसी तरह के प्राचीन शिव जी के शिवलिंग हैं। बेहद अद्भुत कला का प्रदर्शन है, और आप देख सकते हैं यहाँ भी बेहद अद्भुत कला का प्रदर्शन। आप दीवारों को भी दिखाइए, हम कैमरामैन को दिखाएंगे कि दीवारों को भी देखने के बाद जो कहीं अंदर स्टोर में रख दिए गए, ये नीचे जो जमीन है कैमरामैन को कहेंगे, ये छोटे छोटे जो दिखा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोरेज थे एक तरह से, और शिवलिंग थे जो निकाले गए हैं और जैसे स्टोरेज किया गया है, रखा गया है सुरक्षित। और ये मंदिर पूरा जैसे केदारनाथ का मंदिर है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा का स्वरूप है और यहाँ इसे क्रॉस नहीं किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी और प्राचीन मंदिरों के अवशेष यहाँ भी हैं। इधर को आइए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हम आए हुए हैं, खुले में है शिवलिंग जी, हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप बता रहे हैं कि मंदिर का जैसे ये प्रवेश द्वार हो और यहाँ दो द्वारपाल के रूप में है, पुरोहित का कहना है, स्थानीय लोग भी इसके बारे में दो स्वरूप बता रहे हैं इनके, एक जैसे दानव और देव का, देव क्या रिश्ता है वो हम ज्यादा जानेंगे। पुरोहित जी हमारे साथ हैं, आइए जरा इनकी बाजू कैसे करें। राजेंद्र जी हैं और वो बताएंगे कि एक तरफ दानव है और एक तरफ जो है देव है, तो क्या है इसका। देखो देव और दानव इनको आज के लोग में बोलते हैं, पहले इनको भीम अर्जुन लोग कहते थे, इसी प्रकार अलग अलग इनके नाम बताए, किसी ने जय भी बताए है, तो ये भगवान शिव जी के सामने के द्वारपाल हैं। और इनकी एक ये है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ये बताते थे कि इस जब कोई इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसको जो है इस क्षेत्र पे लाया जाता था और यहाँ उसको लिटा देते थे और उस समय के लिए वो जीवित होता था सब, इसलिए लोग इसको देव और दानव इसलिए मानते हैं कि इनके जो मुकुट है इसमें जो है और इसमें जो है जो दक्षिण दिशा में है इनमें मसान की खोपड़ी है, इसलिए इनको दानव के रूप में मानते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा इसे की नज़दीकी से दर्शन कराते हैं कि देखिए इसे दानव क्यों माना गया है। इसे आप इनके सिर पे मुकुट आप देखिए और हम कहेंगे कैमरामैन को फोकस करें मुकुट पे कि खोपड़ी का उस पे चिन्ह है, यानी कि ये दानवता का प्रतीक है। वहीं आपको हम दिखाएंगे इसे देव का स्वरूप माना गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें मुकुट में मणि लगा हुआ है, मणि मतलब समृद्धि सुख का प्रतीक, तो एक तरफ मणि है जिनके मुकुट पे बना हुआ यानी ये देव है और उधर दूसरी तरफ दानव है जिनके मुकुट पे खोपड़ी है, तो इसलिए बनाया जाता है। यहाँ साथ में प्राचीन इतिहास रहा है, यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस जगह पे जब कोई मर जाता था, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके शव को यहाँ लाया जाता था और जब इस जगह पे उनके शव को लिटा दिया जाता था तो देव और दानव की प्रकृति उनमें उत्पन्न होती थी, कुछ पल के लिए वे जीवित होते थे जो देव का रूप था और उसके बाद उसका देहांत होता था जो दानव का स्वरूप था। तो ऐसे ही कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां जुड़ी हुई है। आइए हम उस शिवलिंग तक भी पहुंचते हैं जो बेहद प्राचीन है। आपने कई तरह के शिवलिंग देखा है, उज्जैन में देखा, महाकालेश्वर का शिवलिंग, विभिन्न ज्योतिर्लिंगों का आपने देखा है, लेकिन यहाँ भी एक अद्भुत शिवलिंग है जिसके बारे में हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि काफी बड़े स्वरूप में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। ये पांच भाई पांडव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर जी है और कहते हैं कि इसके साथ जो किंवदंतियां जुड़ी हुई है कि पांच पांडव का स्वरूप है ये, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव, और ये चार जो स्तंभ है ये अर्जुन, नकुल, भीम और सहदेव का जो है बताया जा रहा है और बीच में शायद ये युधिष्ठिर होंगे, तो इसलिए धर्मराज का इसकी अपनी अलग पहचान है। यहाँ जो है जो जीवित होता था ना यहाँ तो उतने में जो है उनका कर्मों का न्याय पूछा जाता था, किसने पाप किया, किसने धर्म किया, जिसने पाप किया है वो दानव जो उसे दंड देता था और जो धर्म कार्य करता है ये पांडव जो उसे अपनी तरफ खींचता था। तो चूंकि धर्मराज थे युधिष्ठिर, न्याय के देवता थे, धर्मराज थे, धर्म की रक्षा करते थे और कहते हैं जब यहाँ सब लाया जाता था तो एक पल के लिए उसे जीवित किया जाता था और यहाँ देव और दानव जैसा कि मैंने आपको इसके द्वारपाल के रूप में बताया, परिचय कराया था, तो वो उनके माध्यमों से उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म के लिए दानव दंडित करते थे और अच्छे कर्म के लिए पांडवों की तरफ से जो देव हैं द्वारपाल वे उन्हें अपनी तरफ लेते थे। तो एक काफ़ी रोचक कथा है, जितना जानिए कम है, हम अपनी धर्म यात्रा में यूं ही विस्तार से आपको बताते रहेंगे। उत्तराखंड की देवभूमि में अगर आप आए हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, तो इस विकास नगर के रास्ते आप यहाँ लाखा मंडल जरूर आइए और इस प्राचीन इतिहास को समझिए। इस प्राचीन इतिहास को समझकर आप अपने आसपास लोगों को भी बताइए ताकि वो भी यहाँ आ सके और इस धर्म यात्रा में उनके घर में भी इस दिवाली पर सुख शांति और समृद्धि। तो आज के लिए हमारे साथ बने रहिए, इतना ही, हम फिर से एक नवीन यात्रा पे आएंगे और इस नवीन यात्रा के साथ खत्म करने से पहले चलते चलते एक जगह और हम जाएंगे, उस जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि उस जगह की क्या है सच्चाई। अपने पीछे वो पहाड़ी दिखा रहे हैं जो आप पहाड़ के रूप में उसे देख सकते हैं,
और हम बताना चाहेंगे कि इस पहाड़ पे कई गुफा है। कहते हैं पांडव काल में यहाँ उन गुफाओं में पांडव मेडिटेशन करते थे, ध्यान में लगते थे। कई किंवदंतियाँ हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कटा पत्थर से यहाँ तक सुरंग बनाई गई थी। तो जैसी जिसकी भावना वैसे उनके स्वरूप, आप उनसे भगवान को पा सकते हैं। लेकिन इस पहाड़ पे कई गुफाएं हैं और साथ में कुआं भी है, जैसा कि उन्होंने बताया हमारे यहाँ के नज़दीक के राजेंद्र जी कि यहाँ पे कुआं भी है। उस पहाड़ पे कुआं, पहाड़ पे कुआं, ये अपने आप में ही एक अद्भुत और आश्चर्य की चीज़ है। और गुफा है जो मेडिटेशन होते थे, जो पांडव भगवान को ध्यानमग्न होते थे, तो वो सारी गुफाएं भी है उस पहाड़। आपको कहा कि चलते चलते अंतिम भी दर्शन कराएंगे, तो उसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इस जगह के कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ से चारों तरफ पहले दिखा दीजिए। अगर आप गौर से इस दृश्य को देखिए तो आप देखेंगे कि विभिन्न शिवलिंग के छोटे छोटे स्वरूप हैं और मंदिर के अवशेष हैं, जो उस समय प्राचीन समय में मंदिर की तराशी नकाशी की गई है वो हैं इसमें। हम यहाँ कहेंगे कि दिखाएं आप, छोटे छोटे शिवलिंग हैं, छोटे छोटे हर जगह शिवलिंग है। तो ये छोटे छोटे शिवलिंग कहते हैं कि पांडवों द्वारा 1.25 लाख ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई थी, शिवलिंग बनाए गए थे, मूर्तियाँ बनाई गई थी, और वही 1.25 लाख को जो सही जगह पर स्थापित नहीं कर पाने की वजह से भगवान शिव नाराज होकर उनसे दूर चले गए थे, जिसकी वजह से उनका सबका, केवल युधिष्ठिर को, धर्मराज को छोड़कर सबका सदैव यहीं पे देहांत हुआ था। सिर्फ युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से रथ आई थी और उनके साथ एक कुत्ता था, श्वान था, और वही श्वान जो उनके साथ गया था, क्योंकि उनके मन में छल और कपट नहीं था। तो प्रभु ने भी एक संदेश दिया कि अगर आप धरती पर आए हैं तो आपको देह का त्याग करना होगा। धर्मराज थे वो सिर्फ गए, लेकिन सब के सब, उनके साथ उनके सगे भाई भी अपना देह त्याग करके इसी हिमालय में अपना देह त्याग किए, और उन्हीं के द्वारा स्थापित बताया जा रहा पांडव काल का ये अवशेष हैं, ये मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, विभिन्न स्वरूपों में ऐतिहासिक धर्म स्थल की एक पहचान है। हम चाहेंगे कि आप जरूर यहाँ आएँ।